कुछ मीठा हो जाए, कुछ प्यारा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ प्यारा हो जाए, मोहब्बत रिश्तों की बेशुमार हो जाए। दिन है आज रक्षाबंधन का, दिन है आज रक्षाबंधन का, तो क्यों ना मीठे में आज रसमलाई हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका शेफ राजेश, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शेफ राजेश मंत्रा इन ब्लॉग्स में। तो दोस्तों त्यौहार का मौसम चल रहा है और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आज हम बनाएंगे रसमलाई। बड़े ही आसान तरीके से आज हम सीखेंगे कि रसमलाई आप अपने घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों रसमलाई बनाने के लिए मैं 1 लीटर के लगभग में दूध लूँगा एक बर्तन में। तो दोस्तों अब इस दूध का हम छेना बनाएंगे। तो छेना बनाने के लिए दूध को हम पहले बॉईल कर लेंगे। इसको बढ़िया से हम बॉईल होने देंगे और इस तरीके से बॉईल करते रहेंगे। और हमें ध्यान ये देना है ना कि बॉईल करते करते हमें इसको अच्छे से हिलाते रहना है। जो ऊपर जो मलाई आती है ना बॉईल करते टाइम, हमें वो मलाई नहीं लेके आना है, क्योंकि मलाई आने से जो हमारे जो छेना बनेगा वो बड़ा टाइट सा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से हमको मिक्स करते रहना है। अब जब ये हमारा बॉईल होने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, करीब 2 से 3 मिनट तक के इसको कूल होने देंगे, क्योंकि जब हम इसमें विनेगर या लेमन जूस डालते हैं ना तो बॉईल होते हुए नहीं रहना चाहिए। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक बॉल में ना 1 पार्ट विनेगर और 2 पार्ट पानी लिया हुआ है और इसको मैं धीरे धीरे करके मिक्स कर रहा हूँ और इस तरीके से इसको हिलाते रहूँगा। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, हिलाते रहना, एक साथ में हम डाल नहीं सकते। एक साथ में अगर डालेंगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से फटेगा नहीं दूध और छेना अच्छा नहीं बनेगा, क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा छेना बन रहा है, पानी एकदम अलग हो गया है और जो छेना है वो एकदम अलग हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, जब पूरा अलग हो जाएगा तो अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो एक छन्नी ली हुई है मैंने और छन्नी में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो छेना बना हुआ है ना उसको मैं स्ट्रेन कर रहा हूँ। तो बढ़िया से इसको स्ट्रेन कर लेंगे हम। अच्छा, स्ट्रेन करते हुए हमें ध्यान ये देना है ना कि बिल्कुल पानी पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए, मतलब पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा मोड़ा पानी, थोड़ा सॉफ्टनेस हो सकता है, उतना ज़्यादा पनीर जैसा हार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करना है कि पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। पानी अगर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा पता है आपको, रह जाएगा पानी यदि रह जाता है ना तो वो जो छेने हैं ना वो फट जाएंगे और एकदम टाइट हो जाएगा, तो क्या होगा, छेने टाइट हो जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये पानी निकाल लिया मैंने। अच्छा, ये जो पानी रखा हुआ है इस पानी को फेंकना नहीं है। इसके 2 काम हो सकते हैं, या तो आप इससे आटा लगा सकते हैं, रोटी बड़ी मुलायम बनेगी, या फिर नेक्स्ट टाइम दूध फाड़ने के काम में हमारे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया, बर्तन लिया हुआ है एक, और बर्तन में मैंने करीब 250 ग्राम के लगभग में शुगर डाला हुआ है। अच्छा, 250 ग्राम शुगर डालने के बाद में मैं करीब इसमें 100 मिलीलीटर पानी डालूंगा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर शुगर सिरप क्या है ना थोड़ा गाढ़ा रहेगा ना तो जो हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वो बड़े टाइटेड बनेंगे। मैंने इसमें 2 पीस लेमन काट के डाल दिया है। लेमन काट के डालने से जो शुगर सिरप बनता है हमारा वो बहुत ही क्लीन बनता है और जो शुगर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल के हम आराम से उसको फेंक सकते हैं। तो अब इस तरीके से पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे। यार मैं ना हमेशा बोलने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता हूँ। तो अब इस तरीके से शुगर सिरप बनाएंगे हम बढ़िया से। अब हमारा ये शुगर सिरप रेडी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, शुगर सिरप हमारा एक साइड में रेडी हो रहा है, तब तक मैं क्या करूँगा कि जो हमने छेना बनाया हुआ है उसको मैं अच्छे से मल लेता हूँ। तो लो भाई, जब तक हमारा शुगर सिरप बनता है ना तब तक हमने जो छेना रखा हुआ था उसको प्रॉपर तरीके से हम मल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से छेना हमारा बनके बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा छेना बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मल लेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान क्या देना है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हम करीब 1 टीस्पून मैदा मिक्स करेंगे। अगर मैदा है तो मैदा मिक्स कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर मिक्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एरा रूट पाउडर है तो एरा रूट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैदा था तो मैं यहाँ पे करीब 1 चम्मच के लगभग में मैदा इसमें मिक्स करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास मैदा था 1 चम्मच, तो मैं मैदा मिक्स कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मैदा ये रसमलाई, रसगुल्ला, राजभोग जो भी छीने वाली चीज़ बनाती है ना, ये टेक्निकल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कितनी क्वांटिटी में डालना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो
तो अब इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करूँगा। हाँ, कंटिन्यू 5 मिनट तक के इसको एक स्मूथ टेक्सचर आने तक के इसको मिक्स करते रहना है। और हाँ, कोशिशें करनी है, आप देखेंगे कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है भाई। कई बार क्या होता है, हम कभी इधर राइट कर साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड करते रहते हैं ना, तो उससे ना जो हमारे जो छेने बनेंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती। ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से कंटिन्यू 5 मिनट हो गए हैं, अब हमारा जो मिक्सचर है वो बन के एकदम तैयार हो चुका है। और इस तरीके से जब आपको लगे, देखिए अभी ये आपको परात जो नीचे है ना उससे चिपक नहीं रहा हमारा मिक्सचर, इसका मतलब है ना कि ये एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर इसका बन चुका है। तो दोस्तों ये चीज़ ना रसमलाई बनाते टाइम ना हमको बहुत छोटी छोटी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो भाई हमारा जो मिक्सचर है ना वो छेना बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे साइज के इसके टुकड़े कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं अलग अलग साइज के टुकड़े कर रहा हूँ और इसको एक रसमलाई का शेप देंगे हम बाद में। तो पहले हम एक साथ में इस तरीके से टुकड़े करके रख लेंगे, इससे क्या होता है बड़ी आसानी होती है बनाने में, क्योंकि बार बार आप तोड़ते हैं ना तो उसमें टाइम भी लग जाता है और ऐसे में क्या होता है ना इवनली कुक भी नहीं हो पाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से मैं इस तरीके से टुकड़े कर लूँगा और टुकड़े करने के बाद में फिर मैं एक साथ में रसमलाई बनाते रहूँगा और जो शुगर सिरप मैंने बना के रखा हुआ है उस साइड में जो पक रहा है ऑलरेडी वहाँ पर मैं डालते रहूँगा। अभी क्या शेप देना है वो डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आप अलग अलग शेप दे सकते हो रसमलाई के लिए। राउंड शेप टिक्की से साइज में बना सकते हैं आप, अगर आपको रसगुल्ला बनाना है तो गोल गोल बना सकते हैं। अच्छा, इसी मिक्सचर से राजभोग भी बन सकता है। राजभोग अगर बनाना है आपको थोड़े बड़े साइज में गोल गोल रसगुल्ला बनाना है, लेकिन राजभोग में स्टफिंग करना पड़ता है हमको केसर की और पिस्ता की, तब वो राजभोग बनता है और राजभोग में केसर का फ्लेवर ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे ना भाई, इसकी हमको बनाना है रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए इसको हम एक प्रॉपर छोटी टिक्की जो होती है ना, टिक्की के शेप में इसको बनाएंगे। हाँ, ये जो बॉल आप बना के देख रहा हूँ मैं आपको, आप समझ सकते हैं ये बॉल से हमको पता चलेगा कि किस तरीके से हम, तो इस तरीके से हम प्रॉपर शेप में जो साइज में मैं आपको बना रहा हूँ ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है हमको और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, तो इसी साइज़ की जो है हम तो टिक्की बनाएंगे रसमलाई के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से टिक्की बना के जो शेप में आपको दिखा रहा हूँ ना, इसी साइज़ में हमको टिक्की बनानी है। हाँ, तो ये जो टिक्की के जो साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये टिक्की इसी साइज़ में बनानी है। अच्छा, इस टाइम टिक्की डालते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो शुगर सिरप जो बना रहे हो हमेशा बॉयल होते रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। यदि ये ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो रसमलाई के जो छेना बनाने वाले थे ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से एक एक मैं रसमलाई की टिक्की बनाते हुए मैं शुगर सिरप में डाल रहा हूँ, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। और हमारा शुगर सिरप भी ठंडा नहीं हो रहा है या कंटिन्यू बॉयल होते जा रहा है। अच्छा, आपको एक हलवाई स्टाइल ले लो, क्या करते हैं ना इसमें थोड़ा सा वो रीठा ऐड कर देते हैं ताकि जो झाग आप देख रहे हैं वो झाग रसमलाई के ऊपर तक के छेने के ऊपर तक आते रहे। तो अभी क्या करना है हमको ना, और अगर शुगर सिरप अगर गाढ़ा होना चालू हो जाता है तो हमको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और इसमें ऐड कर देना शुगर सिरप में, ताकि जो हमारे जो रसगुल्ले या जो छेना हम बना रहे हैं वो एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। तो अब इस तरीके से इसकी 2-3 जो टेक्निक है हलवाई वाली वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताते हुए जा रहा हूँ। तो अभी इस तरीके से मैं सारी टिक्की इसमें डाल दूँगा और डालने के बाद में इसको मैं ढक दूँगा करीब 10 मिनट तक के। जब ये 10 मिनट तक के ढकूँगा ना तो ये जो हमारी जो रसमलाई है वो छेना जो है रसमलाई का वो बढ़िया आराम से पक के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कंटिन्यू बॉईल करते रहना है। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग हलवाई लोग तो बिल्कुल नहीं कवर करते हैं इसको, लेकिन हमें क्या करना है ना कि ऊपर तक के जो झाग आ रही है वो छेने के ऊपर तक के आए, इसलिए कई बार हमको घर पे जब बनाते हैं तो ढकना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिक्स करना पड़ता है अगर जो शुगर सिरप है वो अगर टाइट हो जाता है, हार्ड होता है। तो भाई इस तरीके से ना इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लग रहा मुझे कि 17 से 18 मिनट इसको हमको पकाने में लगेंगे और हमारी जो टिक्की है रसमलाई की वो बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि जो हमारी रसमलाई की जो टिक्की है वो एकदम फूल के बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बन चुकी है, तैयार हो चुकी है
और मैंने शुगर सिरप को कर दिया है बंद, और इसी शुगर सिरप में मैं इसको छोड़ दूंगा, ठंडा होने के लिए रहन दूंगा। क्या है ना कि जब ये आराम से पक भी जाएगा एक तरीके से बढ़िया, और जो एकदम से ठंडा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे 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 इसको हम ठंडा होने देंगे और इसको साइड में रख दूंगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर मिला दिया है और लेट इट बी कूल। अब मैंने जो छेने है ना उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। अब मैं बनाऊंगा रसमलाई का रस। तो रसमलाई का रस बनाने के लिए मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और मैं इसको अब गर्म कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से इसको धीरे धीरे गर्म करते रहूँगा मैं, और बढ़िया आराम से इसको गर्म होने दूँगा। थोड़ा सा दूध ज़्यादा ले लेते हैं, तो दूध अगर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या है ना रसमलाई अच्छे से भीग जाएगी। तो अब इस तरीके से हम दूध को बढ़िया गर्म करते रह रहे हैं और गर्म होता रहेगा इस तरीके से धीरे धीरे। तो अब आप देख सकते हैं कि दूध से ना अब स्टीम निकलने लग गया है, अब हमारा दूध खौलने वाला है और धीरे धीरे हमारा दूध गर्म होता रहेगा और हम इसको हिलाते रहेंगे। क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमको गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, रबड़ी नहीं बनाना है हमको, हमको सिर्फ इसको इतना गाढ़ा करना है कि दूध जो है वो आसानी से रसमलाई के अंदर चले जाए और उसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाए। अब इस तरीके से दूध हम गर्म करेंगे, तो जब हमारा जो दूध है वो इस तरीके से बॉईल आने लग जाएगा तो मैं इसमें थोड़े से सेफ्रन मिलाऊंगा। देखिए आपके यहाँ अगर सेफ्रन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इलायची पाउडर मिला दीजिएगा, और यदि सेफ्रन है तो कोई दिक्कत नहीं। सेफ्रन डालने से क्या होता है ना, केसरिया मिल्क बन जाता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। अब आप इस तरीके से इसको गर्म करते रहेंगे तो सेफ्रन का कलर निकलता रहेगा। और तो अब हम इसको धीरे धीरे बॉईल करते रहेंगे, और जब भी धीरे धीरे पकेगा ना तो थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। ज़्यादा हमको गाढ़ा नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अब इस तरीके से इसको हम पकाते रहेंगे, और हमारी जो रबड़ी है, रबड़ी मतलब लाइट रबड़ी, पतला मिल्क, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम। तो लो भाई देखिए हमारा रसमलाई का जो दूध है वो एकदम बढ़िया से सेफ्रन का कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच शुगर इसमें मिलाऊँगा। शुगर जब मिला दूँगा इसमें तो क्या होगा पता है, शुगर मिला दूँगा तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं इसको मिलाते रहूँगा और ऑलमोस्ट हमारा जो रसमलाई का जो रस है वो बन के तैयार होने वाला है, और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगा मैं। तो ये हमारा आप शुगर सिरप बन के, शुगर सिरप बोल रहा हूँ सॉरी गलती से फिर शुगर सिरप बोल दिया, रसमलाई का जो रस है वो एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो रसमलाई का हमारा जो रस है वो बन के एकदम, आप देख सकते हैं कितना प्यारा केसर का कलर निखर के आया हुआ है, और मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन, वो भी बढ़िया हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने रसगुल्ले के लिए या जो रसमलाई की जो टिक्की बना के रखी हुई है ना, इनको मैं निकाल के उसका शुगर निकाल शुगर सिरप से उसको बाहर निकाल के निचोड़ के एक बर्तन में डाल लूँगा, और जो रसमलाई का रस मैंने बनाया हुआ है इसको मैं डुबो दूंगा रसमलाई की टिक्की को। किसमें, जो पानी बनाया हुआ है, रस बनाया हुआ है रसमलाई का, इसमें मैं उसको डुबो दूंगा बढ़िया तरीके से। कितना प्यारा दिख रहा है आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं इसको डुबा दूंगा, और डुबाने के बाद में इसको करीब 2-3 घंटे तक के फ्रिज में करके ठंडा कर दूंगा, और ठंडा होने के बाद ये एकदम खाने लायक हो जाएगा। इस पर मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट की गार्निश कर दूंगा। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया एकदम इतना अच्छा कलर आया हुआ है। दोस्तों मैं तो ठंडा करके रसमलाई खाने के लिए चला। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।